हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य और आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। या दोस्तों, ये देखिए हम आज खेत में आए हुए हैं और खेत का व्यू आपको दिखा रहे हैं कि पीछे क्या है, इस समय खेत में क्या किस चीज़ का जो है खेती किया गया है। गांव में लोग ऐसे ही खेती करते हैं। और ये देखिए पीछे ये जो है, ये कितना दूर तक आपको दिख रहा है ना, सारे खेत में जो है धान का खेती किया गया है। यानी कि इसे धान जो है इसका जो है चावल होती है दोस्तों। अब देखिए हम आपको पूरा पीछे आपको दिखा सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये जो है कितना दूर तक जो है फैला हुआ है। और देखिए दोस्तों, हम आपको इस तरफ भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए वो जो पीछे थोड़ा सा दिख रहा है, ये जो है इसे बोलते हैं चरी। यानी कि जो ये चरी होता है, इसे जो है हम यानी कि जो पशु होते हैं पशुओं के लिए यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसे क्या करते हैं, पशु के लिए हम जो है काट देते हैं, उसके बाद पशु को खिला देते हैं। दोस्तों हम आपको दिखाएं, ये देखिए दूर तक ये रोड रहा, रोड के दोनों तरफ जो है खेत है और ये देखिए इस तरफ भी है। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए खेतों में पानी भी है। देखिए दोस्तों हम आपको पास में दिखा देते हैं खेत में पानी। अब देखिए दोस्तों धान का खेती कैसे करते हैं, ये इसका खेती करने के लिए सबसे जरूरी होता है पानी, और पानी में ही ये जो है लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये धान की खेती जो है कैसे करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो धान है अभी तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, और लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, पहले छोटे से जगह में जो है हम इसके बीज को डाल देते हैं। उसके बाद जब बीज थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लगभग 10 सेंटीमीटर के समथिंग या 20 सेंटीमीटर के समथिंग, तो खेतों में पहले हम पानी कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे हैं कि पानी है, जब पानी डाल देते हैं उसके बाद फिर जो है उसके बीज को जिस जगह पर डाले रहते हैं, पौधा हो जाता है 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का, तो उसे हम निकाल के वहाँ से फिर खेत के जो पानी होता है पानी में जो हम उसे लगा देते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो होता है फिर खाद डालते हैं, यूरिया पोटाश जो भी होता है उसे डाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें जितना अधिक पानी रहता है तो उतना ही अच्छा ये जो है इसकी उपजाऊ होती है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने दिखाया कि ये देखिए खेतों में जो है पानी लगा हुआ है, और देखिए सभी का खेत जो है कितना अच्छा हरा भरा दिख रहा है, और जो है पानी जो है लगा रहता है। उसके बाद जब इसे काट लेते हैं, काटने के बाद जो होता है हम इसको जी हाँ दोस्तों, जब इसे हम काट लेते हैं, काटने के बाद में फिर इसके जो धान होता है धान को हम पीट के निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो राइस मिल होती है, राइस मिल में हम इसे जो है ले जाते हैं। उसके बाद राइस मिल वाले इसे जो है चावल के रूप में इसके निकाल के हमें दे देते हैं। और यही है प्रोसेस दोस्तों, और आगे फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे अब इसका चावल को निकाला जाता है, कैसे इसका होती होता है, तो हम टोटल डिटेल आपको बताएंगे। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे चावल को निकालते हैं।